कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई थी। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी भी कृष्ण को देखा ही नहीं था, फिर भी उन्होंने उनको अपना पति मान लिया था। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर कृष्ण नहीं आए तो वह अपनी जान दे देंगी। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास आए और उनसे शादी कर ली। अभी दोस्तों ये बात तो हो गई भगवान कृष्ण की, वहीं दूसरी तरफ राधा थी। असल में जब से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था तब से ही राधा जी के बारे में ग्रंथों में बहुत कम वर्णन मिलता है। जो कुछ भी है उसी के आधार पे आगे की कहानी देखते हैं। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा जी का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से जाने गए। अब दोस्तों काफी लोगों के मन में सवाल आता है कि इन सब के बाद राधा जी का क्या हुआ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब कृष्ण भगवान वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी और जीवन भर भगवान कृष्ण में ही लगा रहा और भगवान कृष्ण को ही समर्पित रहा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि राधा जी के पति कौन थे और उनके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी आपको काफ़ी सारी और कहानियाँ सुनाऊंगा। उन सभी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।